गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 13 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट मीन्स संचार के साधन। टू कम्युनिकेट समथिंग टू समवन मीन्स टू टेल हिम और हर समथिंग। टू कम्युनिकेट करना किसी के साथ, इट मीन्स आपको किसी को भी कुछ भी बताना। How do we tell people things when they are not near us? जब वो हमारे near नहीं होते हैं तो हम उन्हें कैसे बताते हैं? By writing letters, speaking to them over the telephone and so on. या तो हम उन्हें letters write करते हैं या फिर telephone के through बात करते हैं। और भी बहुत सारे means है। सेंडिंग लेटर्स, वी यूज़ पोस्ट कार्ड इन लैंड कार्ड्स एंड एनवलप्स टू सेंड लेटर्स टू पीपल इन आवर कंट्री। अगर हमारे कुछ फैमिली रिलेटिव्स अपने ही कंट्री में हमसे दूर रहते हैं और उन्हें हमें लेटर सेंड करना है तो हम पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर कार्ड्स एनवलप्स इनका यूज़ करते हैं। When we want to send a letter to someone in another country, we use aerograms or envelopes. जब हम दूसरे देश में भेजते हैं letters तो हम aerograms हवाई संदेश का use करते हैं और envelopes का। When you want to send a letter to someone, make sure you fix stamps of the right value price. जब भी हमें letter send करना होगा तो सबसे पहले हमें जो stamp है उसका बहुत ही केयरफुली देखना है। ऑल्सो राइट द एड्रेस क्लियरली। सेकेंड थिंग, उस पर आपका एड्रेस जो है वो क्लियरली होना चाहिए। थर्ड इज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड होता है वो आपको भूलना नहीं है, उसको ज़रूर राइट करना है। Every big post office in our country has its own 6-digit pin. अब आपका ये पिन क्या है? जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं हमारे कंट्री में उनका एक अपना 6-digit का पिन होता है। द फर्स्ट डिजिट शोज द पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द पोस्ट ऑफिस इज़। जो आपका पहला डिजिट होगा उन 6 digits में से वो ये शो करता है कि कौन से पार्ट है हमारे कंट्री का जहाँ उसका पोस्ट ऑफिस है। देयर आर 8 सच पार्ट्स और पोस्टल जोन्स इन द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर कितने पोस्टल जोन्स हैं? 8 पोस्टल जोन्स हैं। व्हेन यू राइट द पिन कोड, जब उस पर पिन कोड राइट करते हैं, इट बिकम्स इजी फॉर द पीपल एट योर पोस्ट ऑफिस टू सेंड द लेटर्स टू द राइट पोस्ट ऑफिस। तो इजी हो जाता है लोगों के लिए कि कौन से पोस्ट ऑफिस से कौन सा लेटर जो है वो राइट पोस्ट ऑफिस कौन सा है और कैसे पहुंचेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, टेलीफोन एंड फैक्स। टेलीफोन एंड फैक्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉट मैनी पीपल राइट लेटर्स दीज डेज। आजकल आपको पता ही है लेटर्स कम ही लोग राइट करते हैं। Because other means of communication are much quicker. और भी ऐसे communication के means आ गए हैं जो ज़्यादा quick हैं, fast हैं। For example, you can communicate instantly. Instantly means तुरंत। Through a telephone, आप फटाफट से तुरंत एक call मिलाते हैं और आप communicate कर सकते हैं। The telephone changes the साउंड ऑफ योर वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो आपका टेलीफोन होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो वॉइस होती है उसकी साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में मैसेज में चेंज हो जाती है। दीज सिग्नल्स आर कैरिड बाय वायर्स टू द पर्सन एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। जहाँ पे आपकी जो लाइन होती है टेलीफोन लाइंस, ये सिग्नल्स जो होते हैं वायर्स लेके जाते हैं इन्हें दूसरे पर्सन तक जहाँ पे एंड ऑफ द लाइन होता है। फोन्स दैट आर कनेक्टेड टू वायर्स आर कॉल्ड लैंडलाइन फोन्स। जो वायर से तारों से कनेक्ट होते हैं वो आपके लैंडलाइन होते हैं। सेल फोन्स और मोबाइल फोन्स आर नॉट कनेक्टेड टू वायर्स। आपने देखा है ये सेल फोन और आपके मोबाइल फोन्स जो है वो वायर से कनेक्ट नहीं होते। सो यू कैन कैरी देम एनी वेयर यू लाइक। आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हो, जहाँ भी आप ले जाना चाहते हो। दैट इज़ वन रीज़न
वाई मोस्ट पीपल लाइक टू यूज़ सेल फोन्स रेदर देन लैंडलाइन फोन्स, इसीलिए लोग सेल फोन्स को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं लैंडलाइन फोन्स की बजाय। बिसाइड्स यू कैन डू अ लॉट एल्स विद सेल फोन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सेल फोन्स के साथ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सेंड मैसेज थ्रू द शॉर्ट मैसेज सर्विस, आप क्या भेज सकते हो टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS जिन्हें बोलते हो वो भेज सकते हो। वेदर यू यूज़ ए लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन यू हैव टू डायल द STD कोड बिफोर द फ़ोन नंबर, जब भी हम लैंडलाइन का फ़ोन का यूज़ करते थे तो हमें STD कोड का यूज़ करना होता था, जब भी हमें व्हेन यू वांट टू स्पीक टू समवन इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई भी अपने कंट्री में दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए। STD स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आपका STD का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सिमिलरली यू हैव टू डायल द ISD, एक STD होता है स्टूडेंट्स आपका, दूसरा होता है ISD कोड। व्हेन यू वांट टू स्पीक टू समवन इन अनदर कंट्री, जब हम इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में हमें किसी से बात करनी है तो उसके लिए हमें ISD कोड का यूज़ करना होता है, और ISD कोड आपका जो है वो स्टैंड करता है फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग, इंटरनेशनल कॉल करनी है जब आपको इंडिया के बाहर। समटाइम वी नीड टू सेंड ए रिटन और टाइप्ड मैसेज टू समवन इन ए हरी, कभी कभी क्या होता है हम एक टाइप मैसेज या रिटन मैसेज जल्दी में भेजना होता है, तब हम ये आपकी फैक्स मशीन है इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम राइट किया हुआ हैंड रिटन भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप्ड भी। देन वी यूज़ ए फैक्स मशीन, दिस इज़ योर फैक्स मशीन, द मशीन टेक्स ए पिक्चर ऑफ द मैसेज और पिक्चर एंड सेंड इट थ्रू टेलीफोन लाइन्स, इसमें क्या होता है जो मशीन होती है वो एक आपका फ़ोटो लेके दूसरी जगह तक सेंड कर देती है टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। द फैक्स मशीन एट द अदर एंड ऑफ द लाइन प्रिंट आउट द मैसेज, जहाँ पे दूसरी कनेक्शन होगा फैक्स का वहाँ पर ये इसको सेंड कर देती है, ये क्विकली मैसेज सेंड करती है। देखिए यहाँ पे राइट भी है, ए फैक्स मशीन कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस क्विकली, जल्दी भेज देती है मैसेज को।